दोस्तों, आज ये मेरे सामने आप कुआं देख रहे हैं। कुएं का उपाय, कुआं जो कि चंद्रमा से संबंध रखता है, और कुआं छठे खाने को भी रिप्रेजेंट करता है लाल किताब कुंडली के अनुसार। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुएं के बारे में बताने वाला हूँ, कुएं का उपाय कैसे किया जाता है। कुएं के उपाय के लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मशक्क़त करनी पड़ती है। आज मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर मुझे कुआं दिख गया, और कुएं से संबंधित मैं सोचता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी वगैरह दे देता हूँ। अब कुआं जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमा और छठा खाना यानी कि छठवां घर उसको रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा जिसकी भी कुंडली में ख़राब हो उसको ये साफ तौर पे मना किया जाता है कि अपने घर में किसी भी तरीके से, आपके घर में या फिर आपने कोई भी ऐसी ज़मीन ना लें जहाँ पे पहले समय का कोई कुआं हो और उसको बंद करके आपने उसको कवर कर दिया हो। तो आप ये कुआं देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुआं वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा कुआं देखने में बाहर से लग रहा है, पर इसकी असलियत क्या है अंदर से देखिए। ये सूखा पड़ा है और इसके अंदर पहले कभी पानी हुआ करता था, पहले कभी चला करता था। पर मैंने आपको ये बताना चाहा कि देखिए, कुआं तो ज़रूर सूख गया, पर इन लोगों ने अभी भी उस कुएं को मेंटेन करके रखा हुआ है कि उस कुएं की कहीं पर भी, जिसे हम कहते हैं कि अहमियत ख़राब नहीं हुई है, कुआं आज भी है। और इस कुएं को लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस समझ के इसको ढका नहीं है, इसको कवर नहीं किया, इसका यूज़ नहीं किया है किसी भी हाल में। हाँ, ज़रूर इसकी कभी पूजा होगी तो इसमें पानी डाल देते हैं लोग, तो इस हिसाब से इसको यूज़ भी करते हैं। तो कुआं, जैसा कि हमारी कुंडली में अगर चंद्र खराब है और चंद्रमा चौथे खाने का है, या चंद्रमा छठे खाने का है, या चंद्रमा आठवें खाने का है, तब इस केस में आपके घर के आसपास कुआं है अगर, तो उस कुएं को साफ़ रखिए, उस कुएं को गंदा मत होने दीजिए, कुएं में गंदगी मत डालिए, और कभी भी भूल कर भी कुएं को कभी कवर करके उसके ऊपर लोग जगह बना लेते हैं, अपना मकान खड़ा कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका चंद्रमा उसी दिन से नष्ट हो गया। उसी दिन से उस चंद्रमा के पूरे प्रभाव आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जिस दिन से आप उस कुएं को कवर कर दोगे। तो आपको ज़मीन लेते हुए खास कर चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप ज़मीन ले रहे हो कहीं पर, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, वहाँ की थोड़ी इंक्वायरी कर लीजिए कि वहाँ पर कहीं पर भी ज़मीन किसी तरीके से वो कब्जाई ना हो, किसी ने कुआं ढक कर उसको कवर ना किया हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। हम जल्दबाजी में कभी कभी ये फैसले गलत ले लेते हैं और इस तरह की ज़मीन ले लेते हैं। ज़मीनों के और भी किस तरह से रूप होते हैं, कैसे कैसी ज़मीनें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, उसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा जिस दिन आपने अपना ख़राब कर दिया अपने हाथों से, ओवरऑल आपकी मेंटल स्टेबिलिटी सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इसकी जानकारी अपने जहन में बिठा के रखिए और ऐसी गलती से बचिए। तो अब हम समझ लेते हैं कि इस कुएँ का उपाय किस किस रूप में किया जाता है, कैसे कैसे इसके उपाय किए जाते हैं। उपाय के रूप में समझो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, जब शनि खाना नंबर 4 में होता है यानी कि 4th हाउस में होता है, तब चने की दाल कुएं में डालने के लिए बोला जाता है ताकि चंद्रमा को मजबूती मिल सके। 400 ग्राम दूध या फिर चावल हमें कुएं में डालने के लिए बोला जाता है कि यहाँ पर चंद्र के फलों को मजबूती मिल सके। यहाँ पर जो शनि खाना नंबर 4 में बैठा हुआ है, सेहत बिगाड़ रहा है, दिमागी टेंशन दे रहा है, बेमतलब के उलझुल ख्यालात दिमाग में पैदा कर रहा है, उससे बचाव हो सके। केतु जब खाना नंबर 4 में होता है तब भी 400 ग्राम साबुत चने की दाल और ये जो हल्दी होती है साबुत, ये कुएं में डालने के लिए बोला जाता है। और इसके अलावा जब भी शुक्र खाना नंबर यानी कि 4th हाउस का होगा, तब इस केस में हमें यहाँ पर चने की दाल और साबुत हल्दी की गांठें, ये 400 ग्राम कुएं में डालनी है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र काफ़ी बुरी हालात का होता है, मैरिड लाइफ में दिक्कतें देता है, संतान को दिक्कतें देता है, ओवरऑल आपके फाइनेंस पे बुरे हालात ये क्रिएट करता है। तो इस तरीके से ये चौथे खाने का हम उपाय करते हैं, बृहस्पति की और चंद्र की मजबूती और इनकी आपस की सहायता लेने के लिए। बाकी इसके अलावा और भी उपाय हैं, जब हमें कभी भी ग्रहों को इधर से उधर यानी कि उनके जो प्रभाव को शिफ्ट करना होता है, तब भी हमें पाताल यानी कि कुएं का ये उपाय करना पड़ता है, कुएं में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डाली जाती हैं। तो ये एक उपाय है कुएं से संबंधित। तो नई और जानकारी के साथ दोबारा फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।